सब्सक्राइब कीजिए अपने चैनल टेक राज को और बेल आइकन को दबाकर ऑल प्रेस कर दीजिए लेटेस्ट टेक वीडियोज सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ Redmi के Note 8 Pro के बारे में। दोस्तों इस फ़ोन में एक नया अपडेट आ चुका है जो कि दोस्तों है MIUI 12.0.3.0 का। दोस्तों इस अपडेट में हमें क्या कुछ नया देखने को मिलेगा जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा, और दोस्तों साथ में आपको मैं ये भी बताऊँगा कि ये अपडेट दोस्तों कितने MB का या फिर कितने GB का है। दोस्तों वीडियो शुरू करने पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पहली बार आए हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे मैं जब भी कोई वीडियो यूट्यूब पर डालूं तो आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो ये दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं और मैं आपको इस अपडेट के बारे में सारी जानकारी देता हूं। दोस्तों ये जो अपडेट है Redmi Note 8 Pro में आया हुआ है। दोस्तों ये भी अपडेट उसी टाइम पर आया था जब Redmi Note 7 Pro में आया था, एक नया अपडेट उसी टाइम पर दोस्तों Redmi Note 8 Pro में आया था। दोस्तों इस अपडेट सबसे पहले साइज़ की बात करते हैं तो ये अपडेट दोस्तों 385 MB का है। दोस्तों आप इसके साइज़ से पता लगा सकते हो कि इस अपडेट में दोस्तों हमें कुछ नया जरूर देखने को मिलेगा। अब दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि इस अपडेट में आपको नया क्या देखने को मिलेगा। दोस्तों हमारा जो कंट्रोल सेंटर होता है Redmi Note 8 Pro में जो कंट्रोल सेंटर है दोस्तों उसमें आपको कुछ नए नए फीचर देखने को मिलेंगे। और दोस्तों हमारा जो ऐप ड्रॉअर है वो पहले थोड़ा लैगिंग कर रहा था, दोस्तों वो फिक्स हो जाएगा। इसका दोस्तों जो सिक्योरिटी पेज लेवल है दोस्तों वो नवंबर का हो जाएगा दोस्तों, जब भी इंक्रीज हो जाएगा। और दोस्तों इस फ़ोन में आपको दो तीन ऐसे फीचर देखने को मिलेंगे जो आपको एक कैमरा यूज करने में काम आएंगे। दोस्तों 385 MB का ये अपडेट है दोस्तों, जिसका नाम दोस्तों जो अपडेट है 12.0.3.0 का है। इससे पहले दोस्तों ये फ़ोन 12.0.2.0 पर चल रहा था, बट अभी ये आपको 12.0.3.0 में इंक्रीज होकर मिलेगा। 385 MB का अपडेट दोस्तों ज़्यादा बड़ा नहीं है तो आप इसे फटाफट से कर लेना। और दोस्तों आपके फ़ोन में जो दिन जो थोड़े बहुत जो फिक्स बक्स आ रहे हैं दोस्तों वो भी इस अपडेट का फिक्स हो जाएंगे, क्योंकि जो भी अपडेट आता है वो कुछ ना कुछ नया तो लेकर आता ही है, प्लस दोस्तों हमारे फ़ोन में जो बक्स होते हैं वो भी फिक्स हो जाते हैं। तो अगर आपने अपडेट कर लिया है तो दोस्तों अच्छी बात है, आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपको इस अपडेट के बाद क्या कोई नया देखने को मिलेगा। और दोस्तों अभी तक आपने अपडेट नहीं किया है तो आप ये ज़रूर से कर लेना और उसके बाद मुझे बताना कि इस अपडेट के बाद आपको क्या नया देखने को मिलेगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ चुका होगा कि इस अपडेट में आपको क्या नया देखने को मिलेगा और ये अपडेट आपके फ़ोन में कब आया था दोस्तों और कितनी MB का है। दोस्तों वैसे मैं आपको एक बात बता दूं कि Redmi का Note 9 Pro है और Redmi का Note 9 Pro Max जो फ़ोन है उनमें अभी तक दोस्तों कोई भी नया अपडेट नहीं आया है, जबकि दोस्तों ये Redmi का Note 9 Pro Max जो फ़ोन है वो इन दोनों के बाद लॉन्च हुआ है, फिर भी दोस्तों कंपनी ने इन दोनों पुराने फ़ोनों में अपडेट दिया है। इसका रीज़न क्या है दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि दोस्तों जो Redmi का Note 9 Pro Max जो फ़ोन है या फिर Redmi का Note 9 Pro है उनमें दोस्तों ऑलरेडी सारे फीचर दिए गए हैं, जबकि दोस्तों Redmi का Note 7 Pro और Note 8 Pro में दोस्तों कुछ बक्स आ रहे थे पहले से तो उनको फिक्स करने के लिए और एक दो नए फीचर देने के लिए ये अपडेट दिए गए हैं। दोस्तों जिन लोगों के पास Redmi Note 9 Pro या फिर Note 9 Pro Max है वो लोग बिल्कुल ही परेशान ना हो कि उनको नया अपडेट क्यों नहीं मिला। उसी टाइम में दोस्तों मैं बोलता हूँ जनवरी या फिर लास्ट दिसंबर तक आपको एक नया अपडेट देखने को मिलेगा Redmi के Note 9 Pro और Note 9 Pro Max में। दोस्तों आई होप वीडियो अच्छी लगी हो आपको, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और अभी तक मेरे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो आपके लिए बार बार लेकर आता रहता हूँ। दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।